हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, चीनी, चावल और घी के दाम गैर मामूली बढ़ा दिए गए। शहरियों का हकूमती फैसले पर शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं हकूमत ने तो गरीबों को मार ही दिया है। जीटी रोड सुख नहर यूटिलिटी स्टोर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। गरीब खरीदारों को इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा सरप्राइज। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे, चीनी, घी और दालों के दाम बढ़ा दिए गए। सब्सिडी के नाम पर गरीबों से धोखा। 10 किलो आटे का थैला 633 रुपए महंगा, कीमत 1281 रुपए कर दी गई। सब्सिडाइज घी 25 रुपए इजाफे के बाद 423 रुपए फी किलो मुकर्रर। चीनी भी 55 रुपए बढ़ाकर 146 रुपए किलो कर दी गई। इसी तरह दाल चना, दाल मसूर और सफेद चना 20 रुपए फी किलो महंगे। सुपर बासमती चावल 10 रुपए बढ़ाकर 290 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सस्ती अशिया खरीदने की उम्मीद में खड़े खरीदार नई कीमतें सुनकर सटपटा गए। कहने लगे, ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1400 का, यहाँ पर 1300 का हो गया, तो क्या फर्क रह गया। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, अब पता चला कि कीमत डबल हो गई। जाते जाते हुकूमत ने आवाम को जहर दे दिया। गरीब आवाम सुबह 4 बजे 5 बजे सानू की फायदा, हर एक चीज महंगाई है। चलो आटा दाना तो सस्ता कर दें। हम 5 बजे के आगे खड़े हैं, यहाँ पे लाइनों में धक्के खा रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि साढ़े 1300 का हो गया थोड़ा। आवाम भूखी मर रही है सड़कों पे। इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली सब्सिडी में भी रद्दोबदल कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक आज जुमा के रोज से कर दिया गया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज।